मैं रोहित स्वागत करता हूँ सभी भाइयों का पॉजिटिव सक्सेस पॉइंट पे। तो भाई आज जो बात करेंगे, एक बहुत बढ़िया न्यूज निकल के आई जो केंद्रीय कर्मचारी है उनके लिए, जो एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर, उसके अंदर तो जो अपना जो है डीए वो 50% होने के बाद जो है सेवन पे कमीशन के अनुसार जो है बेसिक मेंबर जो होने की बात थी। तो अब हम देखेंगे कि जो है चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी डी ग्रेड के और जिनकी बेसिक पे 18,000 है और जो है सी ग्रेड के और लेवल टू के अंदर आते हैं जो 19,900 जिनकी बेसिक पे है, तो उनके कितना क्या उनका फर्क पड़ने वाला है, उनके जो मतलब कितनी सैलरी उनकी इंक्रीज हो सकती है, और देख जैसा मैं इस पे भी लगा दूंगा। और इसके अंदर आप देख सकते हैं जैसे कि दैनिक भास्कर की न्यूज है जो एमपी गवर्नमेंट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की है कि उनका डीए जो है 46% अभी चल रहा है, तो वो इंक्रीज होने के बाद जब उनका 50% हो जाएगा तो उसके अंदर वो क्या करेंगे कि डीए को बेसिक के अंदर 50% को मर्ज कर देंगे और स्टार्टिंग से जो है मतलब 4% से वो आगे स्टार्ट कर देंगे। तो हम देखेंगे कि अगर देखो सबसे पहले जो है ऐसी अनाउंसमेंट होती है या जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ऐसी मतलब डीए वगैरह का, वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। अगर एमपी गवर्नमेंट कर रही है तो हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐसा कुछ फैसला ले, तो हमें कितना क्या बेनिफिट होने वाला है उस पर बात करेंगे। आप अगर मतलब आपकी बेसिक पे 18,000 है या 19,900 है तो उस दोनों एक्सपेक्ट पे हम बात करेंगे और आप कैसे इनको कैलकुलेट कर सकते हैं कि अपना जो है सैलरी में कितना क्या इजाफा होने वाला है। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में क्या है कि सैलरी में बहुत कम अपना फर्क पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जो है वो फर्क बढ़ता जाएगा क्योंकि बेसिक पे हमारा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम अगर डीए लगभग मान के चल रहे हैं कि 4% बढ़ेगा, लेकिन 4% तो नहीं बढ़ेगा, 3.63 या देखो वो सरकार क्या अनाउंसमेंट करती है। नेक्स्ट मंथ जो है डीए का अनाउंसमेंट होने वाला है जो जुलाई से हमें मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं, टाइम ना वेस्ट करके हम बात करते हैं जिनकी बेसिक पे 18,000 है। ठीक है दोस्तों, जिनकी बेसिक पे 18,000 है उनकी एक सेकंड, अगर डीए मर्ज नहीं होता है, अगर 54% अगर डीए बनता है, अगर उनका मर्ज नहीं होता है तो हम देखते हैं कि बेसिक प्लस डीए मिला के आपका जो है 27,720 बेसिक प्लस डीए जो है बनने वाला है। और अगर डीए 50% बेसिक में मर्ज होता है और तो आपकी बेसिक जो है वो 27,000 हो जाएगी। अगर 50% मर्ज होता है तो जो आपकी बेसिक है वो 27,000 हो जाएगी और इस पे आपके 4% आपका जो है डीए बन जाएगा, तो आपकी जो है 28,080 रुपये जो है आपका बेसिक प्लस डीए बन जाएगा। और फिर आपको क्या है कि बेनिफिट कितना होने वाला है, सबसे मेन बात कि आपका फायदा कितना होगा, तो फायदा होगा दोस्तों इसमें के अंदर 360 रुपये का। ठीक है, 360 रुपये आपकी सैलरी में एनहांस हो जाएंगे और ये जो है नेक्स्ट अपने जनवरी आ जाएगी तो जनवरी के अंदर फिर से डीए की अनाउंसमेंट हो जाएगी, फिर बढ़ेगा ऐसे बढ़ते बढ़ते जो है बेसिक बढ़ने के बाद डीए का जो परसेंटेज है वो बढ़ता जाएगा और सैलरी में अच्छा खासा इजाफा जो है होने लगेगा। और अब बात करते हैं सी ग्रेड की। ठीक है दोस्तों, जिसकी बेसिक पे 19,900 जिस भाई की बेसिक पे है जो मेरी थी, अब इंक्रीमेंट लगने के बाद 20,500 हो गई मेरी, तो अब उस पे बात करेंगे। तो देखो उसके जो है अब अगर 54% उसका होता है तो उसके हो जाएगी 30,646 जो है 54% अगर डीए अगर बेसिक में मर्ज नहीं होता है, 50% बेसिक में मर्ज नहीं होता है तो उसका जो है इतना जो बेसिक प्लस डीए बन जाएगा। और अगर बेसिक में मर्ज होता है और उसके बाद 4% लगता है तो आपका जो है 31,044 रुपये जो है उसका बेसिक प्लस डीए होगा। टोटल उसको क्या फायदा होने वाला है, लगभग मान लो 398 रुपये, मान लो 400 रुपये का बेनिफिट उसको होने वाला है। अभी स्टार्टिंग में 400 रुपये बढ़ जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उनकी बढ़ती जाएगी सैलरी और जो डीए बढ़ता जाएगा तो उस हिसाब से अपनी सैलरी भी जो है बढ़िया होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये थी जानकारी इसके बारे में, डीए के बारे में जो अभी न्यूज चल रही है।
और आगे भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक पे एक एनपीएस पे वीडियो बनाऊंगा कि एक जो है हमारे डिपार्टमेंट का 18 साल जॉब के बाद एक एनपीएस सिस्टम से एक बंदा रिटायर हुआ है, तो उसकी कितनी क्या उसको ग्रेजुएटी मिली, कितने क्या मतलब एनपीएस के हिसाब से 67% कितना मिलता है, मतलब उसके हिसाब से कितने क्या पैसा मिला, तो उसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।